जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज चांदी में तो रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन गोल्ड अभी भी कमजोर दिख रहा है। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, चाइना का स्टेटमेंट आने के बाद, चाइना का सेंट्रल बैंक की खरीदारी कम होने के बाद हमने गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में भी हमने तेजी आते हुए देखी, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में रहा। और हम देखें तो अब गोल्ड $2300 के नीचे है और सिल्वर करीबन $30 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल सेंटिमेंट थोड़े से वीक हुए हैं, क्योंकि जो चाइना की खरीदारी थी उससे थोड़ा सा एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से अब इस हफ्ते आपको फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी देखने को मिलेगी, उसपे काफी नजर रहेगी कि इंटरेस्ट रेट कैसा रखते हैं या उनकी स्टेटमेंट क्या है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के परस्पेक्टिव से थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम इंटरडे की बात करें तो गोल्ड के अंदर करीबन 71,180 में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 71,400 पे स्टॉप लॉस रहा है, टारगेट नीचे करीबन 70,650 70,500 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि नीचे एक बार 2,285 $2,280 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है और चांदी के प्राइस नीचे 88,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो वीकली बेसिस पर भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आ सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड बना के गोल्ड सिल्वर में चल सकते हैं। ट्रेड बना के